नमस्कार। नमस्कार। जगह ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे आए हैं। आइए। काफी धूप में आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर मैं आपको सारी जगह दिखाता हूँ और लोगों से परिचय भी करा दूंगा। अच्छा, वो मोटर के टुकड़े तो दिखाइए जो यहाँ फेंके जाते हैं। जी आइए। ये स्पार्क प्लग है, 6 महीने पहले एक रात को इस कमरे में फेंका था, खिड़की का कांच चूर चूर हो गया था। 15-20 दिन के बाद मिला, फिर 15-20 दिन कुछ नहीं, उसके बाद इस दरवाजे पर कार्बोरेटर का टुकड़ा मिला, फिर उसके बाद ये फटा हुआ टायर। लगता है कोई आपको टुकड़ों टुकड़ों में पूरी मोटर कार भेंट करना चाहता है। किसी पगले का मजाक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जरूर कोई बात है इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। आप ही लोग पता लगा सकते हैं। आखिरी बार मोटर का टुकड़ा कब मिला आपको? कल सुबह। इस बार तो किसी बच्चे की मोटर कार छोड़कर चला गया। इन सब में उंगलियों के निशान नहीं है। लगता है भेंट करने वाला होशियार है। जी। अच्छा, आपकी कॉलोनी में सब लोग इन मोटर पार्ट्स के बारे में जानते हैं? जानते हैं, अच्छा खासा मजाक बना रखा है, सब हंसते हैं। आपके पास मोटर कार है? जी नहीं, कोई खास आना जाना तो होता नहीं, सारा वक्त इसी कॉलोनी में रहता हूँ, इसलिए गाड़ी नहीं ली। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक भतीजा। आपका अपना भतीजा है? जी, म्युनिसिपल मार्केट के फूलों की दुकान पर बैठता है। हमारे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने उसे बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, एक बात बताइए, 10 साल पहले या 20 साल पहले या कुछ भी, आपका ऐसे किसी आदमी से संबंध रहा है जो कि मोटर गाड़ी का धंधा करता हो, या मोटर का दलाल हो, ड्राइवर हो, या मैकेनिक हो, कुछ भी? 12 साल पहले मैं पूना में सेशन जज था, तब लाल सिंह नाम के एक आदमी को मैंने फांसी की सजा दी थी। सजा सुनकर उसने मेरी तरफ जूता फेंक कर मारा था। हाँ, उसका एक मोटर का गैराज था। खैर, वो तो गुजर गया, और कोई? मेरे फैसले के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील की, उस अपील से फांसी के बजाय उसे 14 साल की कैद हुई। 14 साल, इसका मतलब है वो आज भी जेल में है। अच्छे व्यवहार से अक्सर कैद की मियाद कम हो जाती है, हो सकता है वो छूट गया हो। मतलब आपने पता नहीं लगाया छूट गया है? नहीं, अक्सर जेल के अधिकारी पूछने पर बता देते हैं। ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं थी, आपने पूछा इसीलिए। अच्छा, आप सेशन जज कितनी देर रहे? मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, 10 साल पहले डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि दिमागी काम न करूँ, इसलिए वक्त से पहले रिटायर हो गया और यहाँ आकर फूलों का बगीचा बनाया। अब ब्लड प्रेशर कैसा है आपका? उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। आइए, हमारे कॉलोनी के लोगों से मिला लें। चलिए। इसका नाम पानू है, गाय भैंसों की देखभाल करता है, इसलिए इसका नाम पानू गोपाल रखा है, कान से जरा कम सुनता है। पानू गोपाल, तुम्हारे गाय बछड़े कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छा, बस 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 बस। पानू बोल नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उत्तेजना से जबान अटक जाती है, बचपन से ऐसा है। चलिए। ये पानू कान में रुई क्यों लगाता है? कान में मवाद होता है। चलिए आपको हमारे रसोई और खाने पीने का घर दिखाते हैं। ये हॉल है और वो रहा रसोई घर। ये मेरी धर्मपत्नी दमयंती। नमस्कार। अरे, तुम खाना बना रही हो? मुकुल कहाँ गई? मुकुल के सर में दर्द है, वो सो रही है। तो लक्ष्मी को बुलवा लेती, कुछ मदद तो हो जाती। इसकी क्या जरूरत है, मैं संभाल लूंगी। चाची जल्दी खाना दो, शहर जाना है। अच्छा चलो, आप मैं देती हूँ।
अरे विजय, अभी तक काम पर नहीं गए? नहीं, आज थोड़ी देर हो गई चाचा जी, थोड़ा हिसाब तैयार कर रहा था। चलिए। यही आपका भतीजा है जो आपके फूलों की दुकान की देखभाल करता है? जी, वहां उस घर में प्रोफेसर नेपाल गुप्ता और उनकी बेटी मुकुल रहती है। प्रोफेसर साहब कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनकी अपनी लेबोरेटरी थी। एक दिन लेबोरेटरी में एक जोरदार धमाका हुआ और प्रोफेसर साहब बुरी तरह घायल हो गए। कॉलेज के अधिकारियों को शक हुआ कहीं वो चोरी छुपे बम तो नहीं बना रहे थे। उनकी नौकरी तो गई, साथ साथ पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया। लड़ाई के बाद छूटे, लेकिन कॉलेज की नौकरी वापस नहीं मिली। सचमुच बम बना रहे थे? उनका कहना है कि वो पेड़ पौधों के लिए खाद बना रहे थे। यहाँ आकर भी खाद बनाना नहीं छोड़ा, घर में एक लेबोरेटरी बनाई है। गैस सिलेंडर, बर्नर, टेस्ट ट्यूब, रेटॉर्ड वगैरह सब कुछ है। एक दिन काफी खाद बनाकर मुझे दे दिया और कहा कि पपीते के पेड़ में दो। मेरी मर्जी नहीं थी लेकिन नहीं माने। फिर क्या हुआ? पपीते के सब झाड़ मर गए। क्या हो रहा है प्रोफेसर? अरे निशारा, तुम आओ आओ। और ये साथ में कौन है? ये लोग कलकत्ते से हमारा बागीचा देखने आए हैं। अरे तुम्हारे बागीचे में है ही क्या देखने लायक? मेरा खाद इस्तेमाल करते तो बात और थी। तुम्हारे खाद से तो बगीचा रेगिस्तान बन जाता। देखो निशानात, जो बात तुम नहीं जानते उस पे बहस मत क्या करो। अरे तुम क्या जानो सॉइल केमिस्ट्री क्या होती है? तुम्हारे सारे पपीते के पेड़ मर गए क्योंकि तुम्हारे माली ने उस पे ज्यादा खाद डाल दिया था। तुम्हारे सारे माली गधे हैं। खैर जाने दो, नया क्या हो रहा है? तंबाकू पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अच्छा, अब आदमियों का भी खून करोगे? निशाना, तुम्हारा तो दिमाग एकदम ठप हो गया है। तुम्हें मालूम है विज्ञान की बदौलत जहर भी अमृत बन सकता है। जब तंबाकू से अमृत निकलेगा तो पहले तुम ही चखना। अब चलता हूँ, बाकी जगह भी दिखानी है। आ जाओ जाओ। अच्छा, मुकुल कैसी है? सुना सर में दर्द है। मुझे नहीं मालूम। आप लगता है शतरंज में माहिर हैं। आप शतरंज खेलना जानते हैं? बस यूं ही थोड़ा बहुत खेल लेता। अरे तो आइए ना, हो जाएगी क्या? आइए। अरे नहीं नहीं, इस वक्त शतरंज में बैठे तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे। 10 मिनट में भी खत्म हो सकता है। आइए ना। अच्छा आइए। मुकुल, नेपाल बाबू की लड़की है। नेपाल बाबू कब से है? यही कोई 2 साल से। क्या काम करते हैं? वैज्ञानिक प्रयोग वगैरह करते हैं, शतरंज खेलते हैं और हर काम में मेरी गलती निकालते हैं। आपकी गलती? जिस तरह से मैं कॉलोनी का काम चलाता हूँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे यकीन है कि अगर उससे वो सुपुर्द किया जाए तो बहुत अच्छी तरह चलाएगा। अच्छा। लेकिन उसकी लड़की मुकुल बहुत काम की है। मुकुल काम की लड़की हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ देखकर उसके सिर में दर्द क्यों होने लगा? और फिर खिड़की से छुपकर क्यों देख रही थी हमें? क्या हो रहा है ब्रजदास? कुछ नहीं, एक गाय बीमार पड़ गई है, उसके लिए जुल्लाब तैयार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हो सके तो कुछ प्रोफेसर नेपाल गुप्ता को पिला देना, उन्हें बहुत फायदा होगा। ब्रजदास हमेशा से वैष्णव नहीं था, लेकिन उसके वैष्णव बनने से हमारे मवेशियों को बहुत फायदा हुआ। हमेशा उनकी देखभाल करता रहता है। अच्छा, पहले क्या था? पूना में सेशंस कोर्ट में क्लार्क था, बहुत दिनों से पहचानता हूँ। एक बार उसने घूस खाकर एक जरूरी दलील गायब कर दी, पकड़ा गया। केस मेरे कोर्ट में ही आया था, 6 साल की सजा हुई। इस बीच नौकरी छोड़कर मैं यहाँ चला आया। सजा होने के बाद जेल से छूटकर वो सीधा मेरे पास चला आया। देखा, सचमुच बदल गया है। अच्छा? हाँ, जेल की हवा खाकर वो वैष्णव बन गया।
एक बात ठान ली है ब्रजदास ने कि कभी ही झूठ नहीं बोलेगा। ये कुटिया हमारे डॉक्टर भुजंगधर की है, सितार बजाने का बड़ा शौक है। चलिए। निशानाथ बाबू, इतनी धूप में कहाँ घूम रहे हैं? अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं क्या? इन्हें ये बगीचा दिखा रहा था। आइए अंदर आइए। इस वक्त नहीं, जरा लक्ष्मी से मिलना है। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? खून निकलवाएंगे? अभी ठीक ही महसूस कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। चलता हूँ। आइए आइए ब्योमकेश बाबू, इतनी जल्दी खेल खत्म हो गया? काफी तेज खिलाड़ी है, देखने में आदमी बुद्धू लगता है लेकिन असल में बिच्छू है बिच्छू। पीछे इधर बरामदे में कौन है? डॉक्टर भुजंगधर दास। अच्छा, कब से है यहाँ? करीब 4 साल से। अरे लक्ष्मी, तुम इस वक्त नहाने जा रही हो? काफी सिलाई का काम पड़ा था, वो सब खत्म करते करते देर हो गई। लक्ष्मी हमारे दर्जी खाने की भाली, कॉलोनी के सारे कपड़े खुद सीती है। ठीक है जाओ, लेकिन मैं तो ये कहने आया था कि मुकुल का सर दर्द कर रहा है और वो रसोई में काम नहीं कर सकेगी। दमयंती अकेली है, तुम्हारी मदद होती तो अच्छा होता। अरे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तो ये है हमारे कॉलोनी के लोग। इसका मतलब कुल मिलाकर 3 महिलाएं 6 पुरुष? जी। लक्ष्मी के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, उसका भी तो कुछ इतिहास होगा? कुछ है, लेकिन नहीं के बराबर ही है। गांव की लड़की है, कोई उसे फुसला कर यहाँ कलकत्ता ले आया और फिर बदमाश उसे यहीं छोड़कर चला गया। अब क्या मुंह लेकर वापस जाए, इसीलिए कलकत्ता में रह गई, उसके बाद यहाँ चली आई। कितने दिनों से यहाँ रह रही है? करीबन 2 साल से। आपकी कॉलोनी के बारे में उन्हें पता कैसे चला? ये कोई सरकारी अनाथालय तो है नहीं? कलकत्ते के किसी रेस्टोरेंट में विजय शाम को रोज चाय पीता था, वहीं एक टेबल पर अकेले बैठे लक्ष्मी को रोते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं, बेचारी सिर्फ चाय पीकर गुजारा कर रही थी। उस दिन तो चाय के लिए भी पैसे नहीं थे, विजय उसे यहाँ ले आया। अच्छा, मोटर गाड़ी के घिसे पिटे टुकड़ों के बारे में किसी पर शक है आपको? अगर शक होता तो आपको पहले से बता देता, और फिर यहाँ तरह तरह के लोग हैं, किस पर क्या शक करूं, इसीलिए तो आपकी मदद ले रहा हूं। आपको कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे निशानात, क्या हो रहा है? आओ आओ प्रोफेसर, आओ। मुकुल, तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अब ठीक है, मैं अंदर चलती हूं। बैठो। क्या ख्याल है, एक एक बार से शतरंज हो जाए? नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों बिजदास, तुमने हमारे गाय बैलों को दवाई देना शुरू कर दिया है? अरे गाय बैलों के बारे में कुछ मालूम भी है? और निशाना, तुम भी अजीब हो, तुमसे 1000 बार कहा कि कोई अच्छा सा पशु चिकित्सक रख लो, वो तो तुमसे हुआ नहीं। अनाड़ियों के हाथ में मवेशियों को छोड़ रखा है। अरे भाई, जिसका जो काम है वही उसे करना चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता तो मुझसे कहो, मैं 2 दिन में तुम्हारे मवेशियों की काया पलट कर दूंगा। अरे मैं सिर्फ केमिस्ट नहीं, बायो केमिस्ट भी हूं, समझे? बिजदार, चलो आज तुम्हारे गाय बैलों को दिखाओ। नेपाल, गाय बैलों को जितना चाहो देख लो, लेकिन कोई दवाई वगैरह मत देना। निशाना, तुम्हें कुछ समझ तो है नहीं, खाम खा सदारी करते रहते हो। अरे जब मैं देखभाल करूंगा मवेशियों की तब देखना। अरे नेपाल, मेरे हुक्म के खिलाफ कुछ किया तो तुम्हें कॉलोनी छोड़कर जाना पड़ेगा। निशाना, मेरा अपमान कर रहे हो तुम, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सोचा होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, कर दूं सब भंडाफोड़। नेपाल, चलो निकलो इसी वक्त, यहां से निकल जाओ। क्या कहा निशाना, तुम्हारी ये मजाक मुझे, मैं इतना उत्तेजित होना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है मिस्टर सैन। अगर दिमाग की एक छोटी सी नली भी जख्मी हो जाए तो प्रोफेसर नेपाल गुप्त का तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जरा अपनी नब्ज दिखाइए।
मैं ठीक हूं, आप लोग बैठिए। आप ही व्योमकेश बाबू हैं? क्यों, ठीक पकड़ा कि नहीं? सब कुछ जान गए हैं तो दो चार सवाल आपसे पूछता हूँ, जवाब देंगे? जरूर, मेरे बारे में तो शायद आपको सब कुछ मालूम पड़ ही चुका होगा। सब कुछ नहीं। ठीक है, पूछिए। आपकी शादी हो गई? डॉक्टरी पढ़ने के लिए 3 साल इंग्लैंड में था, वहीं एक गोरी लड़की से शादी की। वो इस काले आदमी को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन मुझे छोड़ के चली गई। मैं भी हिंदुस्तान की संतान वापस हिंदुस्तान आ गया। उसके बाद कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। एक और सवाल है, जिस गुनाह की वजह से आपकी डॉक्टरी का लाइसेंस जब्त कर लिया गया था, वो गुनाह क्या था? एक नारी को लोकलाज से बचाने के लिए उसका गर्भपात किया था, पकड़ा गया बस। अच्छा, मैं अभी आया। व्योमकेश बाबू, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आपने अभी तक मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? मोटर गाड़ी के टुकड़ों के रहस्य का समाधान हुआ? अभी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा काम उस प्रोफेसर नेपाल गुप्ता का है। वही निशानाथ बाबू को डरा धमका रहा है। प्रोफेसर ऊपर से जितना घमंडी है, अंदर से उतना ही पेचीदा। लेकिन निशानाथ बाबू को डराने से उसका क्या फायदा? प्रोफेसर इस कॉलोनी का कर्ता धर्ता बनना चाहता है, भला निशानाथ बाबू ऐसा क्यों होने देंगे? इसीलिए वो प्रोफेसर जो है निशानाथ बाबू को दबा रहा है। उसने एक प्रकार से वॉर ऑफ नाव शुरू कर रखा है। प्रोफेसर ये बात अच्छी तरह से जानता है कि निशानाथ बाबू ब्लड प्रेशर का मरीज है। उन पर जितना ज़्यादा दबाव पड़ेगा वो उतनी जल्दी खाट पकड़ेंगे और प्रोफेसर खुद मालिक बन बैठेगा। लेकिन उनकी तो पत्नी है, भतीजा है, उनके रहते हुए मालिक कैसे बन सकता है? नामुमकिन लगता ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन है नहीं। क्यों? मिसेस सेन प्रोफेसर नेपाल गुप्ता पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। क्या कह रहे हैं आप? मेहरबान होने की कोई खास वजह है? व्योमकेश बाबू, आप खुद अक्लमंद हैं, मैं भी कोई बेवकूफ तो हूं नहीं, समझ जाना चाहिए। हो सकता है मेरी सारी बातें बेबुनियाद हों, आपने पूछा इसीलिए जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। मैं अब आज्ञा चाहूंगा, शायद आपको भी कहीं जाना हो। एक मिनट, मुकुल भी क्या अपने बाप के साथ थी क्या? मैं अभी ठीक से कुछ नहीं कह सकता, आशा है फिर मुलाकात होगी। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्कार, मैं विजय हूँ। हाँ। निशानाथ जी का भतीजा। मालूम है, कल मिले जो थे। हाँ। कैसे आना हुआ? जी, चाचा जी ने एक चिट्ठी दी है, कहा कि आपको पहुंचा दूं। अच्छा, अरे अरे बैठिए तो सही। लेकिन आई 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 मैंने कल सुबह आपको कॉल में देखा था, लेकिन उस वक्त आपका असली परिचय मालूम नहीं था। तो असली परिचय किसने दिया? जी, घर वापस जाकर पता चला। अच्छा, चाचा जी ने क्या किसी जरूरी काम से बुलाया था आपको? ये तो अपने चाचा से ही पूछना था। चाचा जी हमें सब बातें थोड़ी बताते, वो तो मोटर के पार्ट्स को लेकर कुछ परेशान है इसलिए। अच्छा, मोटर के पार्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो बिल्कुल बचकाना काम लगता है। हाँ, यहाँ से 1 मील दूर एक गाँव है, वहाँ के लड़के बहुत बदमाश हैं, वही सब शैतानी करके कूड़ा करकट हमारे यहाँ फेंक जाते। अच्छा जी, प्रोफेसर नेपाल गुप्ता का क्या हाल है? सुना था कि प्रोफेसर साहब ने चाचा जी का अपमान किया था कल शाम को। चाचा जी ने तो सह लिया, अगर उनकी जगह मैं होता तो। प्रोफेसर क्या अभी तक कॉलोनी में ही है? हाँ, मुकुल ने कल रात को चाचा जी के बहुत आत्मा पकड़े और चाची जी हमारी बहुत नरम दिल की है, वो मान गई, उन्होंने चाचा जी को मना लिया। वैसे चाचा जी चाची की बात कभी नहीं डालते। प्रोफेसर की किस्मत अच्छी है, मेरे ख्याल से अगर वो चले जाते तो अच्छा ही होता। उनकी लड़की कैसी है? जी मुकुल, नहीं मुकुल तो ठीक ही है,
वो अपने बाप की तरह नहीं है, वो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। जी नमस्ते, जी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, क्या लिखा है निशानाथ बाबू ने? लिखा है आपको जिस काम के लिए कॉलोनी में बुलाया था उस काम में और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो एडवांस रुपए दिए हैं उम्मीद है वही आपकी मेहनत के लिए काफी होंगे। ये निशानाथ बाबू ने अपना इरादा क्यों बदल दिया? शायद वो डर गए कि कहीं उनकी खुद की कलाई न खुल जाए। निशानाथ बाबू की जिंदगी में जरूर कोई छुपा हुआ रहस्य है। याद नहीं कल प्रोफेसर ने उसे धमकी दी थी, कर दूं सारा भांडाफोड़। मतलब प्रोफेसर को उनके छुपे रहस्य का पता है? लगता तो यही है। प्रोफेसर भांडाफोड़ की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन कल ही तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। तूफान आ गया। कैसा तूफान? जिसका डर था निशानाथ बाबू की मौत हो गई है। क्या? चलो वहीं चलना है अभी। मौत हो गई? क्या मौत होने? क्या पता, मौत स्वाभाविक भी हो सकती है नहीं भी। टेलीफोन किसने किया था? विजय ने। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, ट्रेन से देर हो जाएगी, टैक्सी लेकर चलते उठो। निशानाथ बाबू क्या मोजे पहनकर सोते थे? नहीं तो? गरम मोजे। क्या लगता है ब्योमकेश बाबू, आपकी चाची कहाँ है? जी बेहोश पड़ी है, आइए। कब से बेहोश है? तकरीबन 3 घंटे से। इन्होंने ही सबसे पहले निशानाथ जी को देखा था, देखते ही चीख कर गिर पड़ी, तभी से बेहोश है। आपने लाश देखी है? हाँ। आपको क्या लगता है, कुदरतन गुजर गई या फिर? इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, कॉलोनी के डॉक्टर पाल को बुलाया है, वही बेहतर बतला पाएंगे। यही डॉक्टर पाल है? जी हाँ। यहाँ अक्सर आते हैं? मैंने 2 महीने में एक आध बार आ जाते हैं, हमारे कॉलोनी के स्थायी डॉक्टर हैं। वैसे रोजमर्रा का काम तो डॉक्टर भुजंगर ही करते हैं। कल आपने निशानाथ बाबू को आखिरी बार कब देखा? शाम को, तब वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। माफ कीजिए, आप क्या डेथ सर्टिफिकेट लिख रहे हैं? व्योमकेश बख्शी। आप क्या समझते हैं ये कुदरतन मृत्यु है? मौत क्या कभी कुदरतन होती है? शरीर की हालत जब अस्वाभाविक होती है, गैर कुदरतन, तभी तो मौत आती है। आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन शरीर अस्वाभाविक अपने आप ही हो सकता है और बाहर से भी करवाया जा सकता है।
आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया, लेकिन मैंने निशानाथ बाबू के शरीर को अच्छी तरह से परख लिया है, कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। उनके मृत्यु का समय रात के 10 से 11 के बीच में है। कल रात सोते वक्त उनके मस्तिष्क की कोई नस फट गई होगी, इसलिए सोते हुए ही उनकी मौत हो गई। जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनकी अक्सर मौत ऐसे ही होती है। लेकिन उनके पैरों में मोजे थे, आपने गौर किया होगा? इतनी गर्मी में गर्म मोजे पहनकर सोए थे, क्या ये यकीन करने लायक बात है? मोजे की बात डॉक्टरी दायरे में नहीं आती, फिर भी इस बात पर गौर किया जा सकता है। निशानाथ बाबू खुद मोजे पहनकर सोएंगे ये यकीन नहीं होता, और कोई और उन्हें सोते हुए मोजे पहनाएगा ये भी यकीन करने लायक बात नहीं है। कोई ऐसा करेगा तो वो जागेंगे नहीं। अच्छा एक और बात बताइए, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज गरम मोजे पहनेगा तो क्या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? बढ़ सकता है, लेकिन मस्तिष्क की नस फटकर ही मौत होगी ये यकीनन नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर पाल, आप कुदरतन मौत का सर्टिफिकेट मत दीजिए। निशानाथ बाबू के शरीर के अंदर क्या हुआ है शायद बाहर से पता नहीं चल सकता, इसलिए पोस्टमार्टम होना जरूरी है। आपने शक में डाल दिया, चलो यही सही, नुकसान ही क्या है। मैं चलता हूँ, पुलिस में खबर भिजवा दूंगा, ऑटोप्सी का इंतजाम हो जाएगा। अब आप क्या कहते हैं डॉक्टर भुजंगर, मौत कुदरतन ही है? मेरी राय की कोई कीमत नहीं है, आपको शक हुआ है पोस्टमार्टम करवा लीजिए, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। विजय बाबू, निशानाथ बाबू के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जी शाम को जब मैं कलकत्ते से वापस आया। और रात को खाना खाते समय? नहीं, मैं कुछ जल्दी खा पी कर रात 8 की गाड़ी से वापस कलकत्ते चला गया था। वापस कलकत्ते चले गए? जी कुछ काम था, करीबन रात को 12:30 बजे आकर सो गया। सुबह सुबह मुकुल ने आकर मुझे बताया। मुकुल ने? जी, मुकुल यहाँ से गुजर रही थी कि उसने चाची जी की चीख सुनी, उन्हें बेहोश देखा तो मुझे बताने चली आई। अच्छा अच्छा ब्योमकेश बाबू, आपको क्या लगता है कि चाचा जी की मौत कुदरतन नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, चाचा जी कभी सर्दियों में भी मोजे पहनकर नहीं सोते थे, मोजे तो उनके है ही नहीं। फिर उनके कमरे में जाकर देखा तो खिड़की भी बंद है, चाचा जी कभी खिड़की बंद करके नहीं सोते थे, फिर खिड़की किसने बंद की? अभी 10 बजे है, पुलिस के आने में भी देर है, हम जरा कॉलोनी का राउंड मार के आते हैं। जैसे आपकी मर्जी। चलो जी। अच्छा हाँ ठीक है। नमस्कार प्रोफेसर गुप्ता। नमस्कार, आप यहाँ? निशानाथ बाबू ने चिट्ठी लिखकर आज बुलाया था, यहाँ आकर देखा, हमने कभी सोचा नहीं था इस तरह अकस्मात ही गुजर जाएंगे। अरे ये ब्लड प्रेशर के मरीज ऐसे ही मरते हैं, निशानाथ बहुत जिद्दी था, किसी की नहीं सुनता था, मैंने भी कितनी बार कहा कि हाँ आपके साथ तो उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन उसकी जिद की वजह से कभी कभी तू तू में हो जाया करती थी। हाँ वो तो हमने सुना, उस दिन हमारे सामने आपने कहा कि कर दो भंडाफोड़, ऐसा लगा जैसे आप उनकी जिंदगी का कोई गुप्त रहस्य जानते हैं। गुप्त रहस्य? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो यूं ही गुस्से में कभी कभार अनाप शनाप बकतिया करता था मैं, वो तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा आपसे एक बात पूछूं, आपकी लड़की मुकुल के साथ विजय का कुछ कुछ क्या मतलब कोई संबंध? या मुकुल किसी से कोई भी संबंध रखने वाले लड़कियों में नहीं है, समझे आप,
हम जब यहाँ आए थे तो मैंने ही विजय के साथ मुकुल की शादी की बातचीत की थी। विजय राजी भी हो गया था लेकिन बाद में उलट गया। विजय का चाल चलन क्या ठीक नहीं है? बस यूं ही समझ लीजिए, भली लड़की को छोड़कर कुलटा के आगे पीछे दौड़ना क्या अच्छे चाल चलन के लक्षण है? मुकुल अब कैसी है? जैसी थी वैसी ही है, पढ़ी है चुपचाप। देखेंगे एक बार। चलिए देखते हैं। मुकुल और विजय के संबंध की बात क्या है कुछ समझ में नहीं आई। जब प्रोफेसर यहाँ नए नए आए ना, तब मुकुल और विजय में काफी दोस्ती हो गई थी। शादी के बाद भी पक्की हो गई थी। फिर ये लक्ष्मी आई, विजय लक्ष्मी पर लट्टू हो गया, मुकुल से शादी तोड़ दी। निशानाथ बाबू जरूर इस शादी के खिलाफ थे। अच्छा, निशानाथ बाबू की मौत स्वाभाविक नहीं है, तुम्हें पूरा यकीन है? पूरा, 100%। उनके ब्लड प्रेशर ने उन्हें पहाड़ी के किनारे ला खड़ा किया और किसी ने जोर से पीछे से धक्का दे दिया। ये क्या है? चिड़िया का घोंसला। वो देखिए, ऊपर पंखे पर बाकी का टुकड़ा भी है। जरा और हटाइए, देखिए पैरों पर मोजे पहने हुए हैं। आपकी गैरहाजिरी में मोजे खोलकर देखना मैंने उचित नहीं समझा। जरा देख लीजिए, पैरों तले दाग तो नहीं है? ये दाग देखिए। किसी चीज से बांधने के दाग नजर आते हैं, लेकिन इससे क्या पता चलता है? कम से कम इतना तो पता चलता है कि निशानाथ बाबू ने मरने से पहले ये मोजे खुद नहीं पहने, ये पहनाए गए हैं। लेकिन क्यों? जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता। खास तौर पर आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि कहीं शरीर पर कोई हाइपोडेमिक सिरिंज के निशान तो नहीं है। ठीक है, मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूँ। इसकी रिपोर्ट कल दोपहर तक मिल जानी चाहिए। आप कल एक बार पुलिस स्टेशन आ जाएंगे? जरूर। चलिए। रिपोर्ट साफ है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। खून में किसी तरह का जहर या दवाई का निशान नहीं है। निशानात ब्रेन हेमरेज की वजह से मरे हैं। हाइपोडर्मिक सिरिंज के कोई निशान नहीं मिले? दाहिनी हाथ की कोहनी में कुछ सुई चुभाने के निशान हैं जरूर, लेकिन वो कोई 4-5 महीने पुराने हैं। और पैरों पर इलास्टिक गार्टर्स के कोई निशान? डॉक्टर का कहना है कि इस दाग का मृत्यु से कोई संबंध नहीं। शरीर की जांच से उम्मीद रखना शायद गलती थी। आइए आइए। जी नमस्ते। नमस्कार, बैठिए। विजय बाबू, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं मिला। कल रात से ब्रजदास भी गायब है। ब्रजदास गायब? क्या पोस्टमार्टम का नाम सुनते ही गायब हो गया? क्या मालूम। लीजिए इंस्पेक्टर बराट, आपका एक और मेहमान बढ़ गया है, अब ढूंढ निकालिए इसे। मेहमानों की खातिरदारी करना ही तो हमारा काम है। खैर, तो अब हमें यह मान लेना चाहिए कि निशानाथ बाबू की मृत्यु का कारण ब्लड प्रेशर ही था। कभी नहीं, हत्यारे ने ब्लड प्रेशर का फायदा उठाया है और इसीलिए हत्या करने का कोई निशान नहीं मिल रहा। लेकिन किस तरह से फायदा उठाया इसका भी तो कुछ पता चले। छानबीन करने के लिए कुछ सूत्र भी तो होने चाहिए। सूत्र है, सारे सबूत आपके सामने पड़े हैं, फिर भी आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं, आप ही बताइए ना।
चिड़िया का घोंसला फर्श पर गिरा था, क्या इससे भी कुछ पता नहीं चला? नहीं। बहुत ही भयंकर मृत्यु थी। आप ही बताइए ना। ये मेरा अनुमान है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यही हुआ होगा। फिलहाल आप सब ये बात अपने तक ही रखिए। निशानाथ बाबू के पैरों में रस्सी बांधकर उन्हें ऊपर लगे हुए लोहे के कड़े से उल्टा लटका दिया गया। ब्लड प्रेशर तो था ही, उस पर से सारा शरीर का खून नीचे सर तक उतर आया। इससे सर पर दबाव पड़ा और 5 मिनट के अंदर ही सर के खून की नली फटकर उनकी मौत हो गई। फिर उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया गया। लेकिन चतुर हत्यारा भी कुछ न कुछ गलती तो कर ही बैठता है, वरना ऐसे कोई पकड़ा भी ना जाए। और यहां हत्यारा मोजे खोलना भूल गया। सचमुच भयंकर मौत है। अब साफ पता चलता है कि पैरों में कहीं निशान न पड़ जाए इसलिए मोजे पहनाए गए थे, और लोहे के कड़े में रस्सी घुसाते वक्त चिड़िया का घोंसला गिर पड़ा था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इतना सब कुछ होते वक्त निशानाथ बाबू सोए रहे, जागे नहीं? निशानाथ बाबू शायद जगे हुए ही थे। मुझे लगता है करीबन रात 10 या 11 के बीच में यह हादसा हुआ था। डॉक्टर पाल की भी यही राय है। जाहिर है किसी जान पहचान वाले ने ही उनका खून किया था। मेरा अनुमान था कि हत्यारे ने शायद इंजेक्शन के साथ उन्हें बेहोश किया होगा और फिर उल्टा लटका दिया होगा, लेकिन शरीर पर सुई चुभाने के कोई निशान नहीं मिले। इसीलिए हमें समझ लेना चाहिए कि उसने बड़ी चतुराई से उन्हें बेहोश किया। मतलब सैंड बैग इस तरीके से गर्दन के पीछे हल्के हाथ से एक बार वार करने से ही आदमी बेहोश हो जाता है, और उसके साथ गर्दन पे कोई निशान भी नहीं दिखते। लेकिन कौन है वो? कौन ऐसा कर सकता है? अभी बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। दमयंती या मिसेस सेन पास वाले कमरे में ही थी, उन्हें कैसे कुछ पता नहीं चला? नहीं नहीं, नहीं। चाची जी को कुछ नहीं पता, वो जरूर सो गई होंगी। खैर जो भी हो, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। फिलहाल एक बात बताइए, निशानाथ बाबू का वारिस कौन है? मैं और चाची जी बराबर बराबर हिस्सों में। ये नोट कर लीजिए। एक बात और, क्या मोटर के टुकड़ों के साथ निशानाथ बाबू की मौत का कोई संबंध है? हो भी सकता है, नहीं भी। आज मैं लाल सिंह के बारे में पूछने गया था। कौन लाल सिंह? निशानाथ बाबू किसी समय सेशन जज थे, तब उन्होंने लाल सिंह नाम के एक मोटर गैराज वाले को खून के मामले में फांसी की सजा दिलवाई थी। उसने कोर्ट में जूता लेकर उनकी तरफ फेंका था, अपील से उसको आजन्म कारावास हुआ। फिर पता चला कि 2 साल पहले उसकी जेल में ही मौत हो गई थी। उसकी पत्नी को चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन चिट्ठी वापस आ गई, उस औरत का कुछ पता नहीं चला। फिर ये मोटर के टुकड़े कौन फेंकता है? मोटर के टुकड़े निशानाथ बाबू के लिए है ऐसा तो कोई सबूत नहीं है, ये तो उनका ख्याल था, गलत भी हो सकता है। लेकिन निशानाथ बाबू को इस बेदर्दी से कत्ल करने की वजह क्या हो सकती है? निशानाथ बाबू ने मुझे तहकीकात करने के लिए बुलाया था, शायद यही अहम वजह थी। गुत्थी उलझती जा रही है। सब सुलझ जाएगी। फिलहाल आप 2 काम कीजिए। पहला तो कॉलोनी के हर एक व्यक्ति के अंगूठे का छाप ले रखिए। इससे क्या फायदा? आप लेकर तो रखिए, काम आ सकता है। जिस तरह लोग कॉलोनी से गायब हो रहे हैं, पता नहीं कौन कब तक रहेगा। ठीक है, दूसरा? मेरे ख्याल से अब कॉलोनी चलते हैं, अजीत वहां पहुंच गया होगा। मैंने हर एक व्यक्ति से कुछ सवाल करने हैं, आप सब नोट कर लेना।